ठगी करने वाले गिरोह का गोवर्धन पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही उनके कब्जे से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की। मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस व साइबर सेल ने पेटीएम, गूगल पे, फेसबुक आदि के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 शातिरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर कब्जे से 1,56,000 रुपए, अवैध असलाह व मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीचंद्र ने बताया कि थाना गोवर्धन पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, फेसबुक आदि ऐप के माध्यम से मथुरा, हाथरस, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद आदि स्थानों के जनता के भोले भाले लोगों के साथ अन्य राज्यों के फर्जी सिम के द्वारा धोखाधड़ी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह जाफर पुत्र इस्लाम निवासी खेड़ा बासौली थाना कैथवाड़ा जिला भरतपुर राजस्थान, शाबिर पुत्र वशीरा निवासी देवसरस थाना गोवर्धन हाल निवासी गांव अंगरावली थाना कामा जिला भरतपुर राजस्थान, साबू पुत्र बबली निवासी देवसरस थाना गोवर्धन, राहुल पुत्र जाकिर निवासी देवसरस थाना गोवर्धन, अकरम पुत्र मजीद निवासी दौलतपुरा थाना गोवर्धन, साहबुद्दीन पुत्र बशीरा निवासी देवसरस थाना गोवर्धन हाल निवासी अंगरावली थाना कामा जिला भरतपुर राजस्थान को 5 अवैध तमंचे, 5 मोबाइल फोन, 1,56,000 रुपए के साथ गाठौली देवसरस रोड पर कनुआ बाबा तिराही के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। गोवर्धन पुलिस एवं साइबर सेल मथुरा द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस एंगेजमेंट में गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त जनता के भोले भाले व्यक्तियों को गूगल ऐप एवं फेसबुक तथा अन्य ऐप के माध्यम से प्रलोभन देते थे। तत्पश्चात उन्हें एक स्थान पर बुलाकर एवं अपने अकाउंट में पैसे डलवाकर उनका धन हड़प लिया करते थे। इन सदस्यों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम जाफर, साबिर, साबू, राहुल, अकरम एवं शाहबुद्दीन हैं, जो कि थाना गोवर्धन देवसीरस के ही निवासी हैं। इन अभियुक्तों के पास से 3 असलह 315 बोर के मैखोखा कारतूस, 2 तमंचे 12 बोर के मैखोखा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं एवं विभिन्न घटनाओं में इनके द्वारा हड़पे गए धन लगभग 1,56,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य साथियों की तलाश सघनता से की जा रही है। शीघ्र ही इनके अन्य साथियों की तलाश करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।